और इस नाम से प्रोग्राम का आगाज किया गया है। मेरी दुआ है तो अल्लाह मुकद्दस के तुफैल से उसे यहाँ जिस मकसद के लिए चांद देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि हमारे ये रिश्ते वाला रात बिखरे हुए हैं। ये अपनी मुस्कुराती की इस वजह से काम है मगर इसका इस काम को ज्यादा समझना पंचीज हूँ लीडरान कराम हूँ और आका के मुअज्जिन हूँ नौजवान हूँ जितने भी सबको मेरा आदाब और सलाम है कि मेरे जम्मू कश्मीर के गुर्जर भाई जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए सचेत है। देखो जो जागरूक नहीं होता उसके घर डकैती पड़ती है, जो जागरूक नहीं होता उसके हक अधिकार छीने जाते हैं, जो जागरूक नहीं होता उसका इतिहास मिटाया जाता है। लेकिन ये गुजर कौम है जिस जब देश को जरूरत पड़ी सीमा पर सीना तान के खड़े हो गए और हमेशा जब गोली खाई तो वो सीने पे खाई कभी पीठ नहीं दिखाई। यदि इस देश के पूरे इतिहास को आप छान कर देंगे, यदि गुर्जर समाज के इतिहास को उसमें से निकाल दे तो इस देश के ज्यादातर आपको पढ़िया इतिहास फिर आपको इतिहास में कुछ ज्यादा चीज दिखाई नहीं देंगे। चाहे छठी शताब्दी का गुर्जर सम्राट मीर भोजी का आरक्षण हमें मिला है वो किसी के सीख ने हमें सौगात नहीं दी, वो हमें भारत का इतिहास हमारी भौगोलिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखकर हमें वो एसटी का आरक्षण मिला है और हम अपना अधिकार मानते हैं। तो ये बकरवाल कौम है जी, बकरवाल कौम पंजाड़ों पर जाए, ये वे कौम है जिसने हिंदुस्तान थम कर रखे हो, गुजर बकरवाल कौम ने, बाकी किसी कौम ने थमे नहीं, गुजर बकरवाल का कौम है जिंदी मिसाल है। इन्होंने आज तक ना कुर्सी हिलाई तो ना इन्होंने दीती, अगर ऐलान में यू दिन हो तो जम्मू के मेंबर पार्लीमेंट बनाए हो तो जम्मू को रेन आओ मारो को पहाड़ी नहीं बनाए हो पहाड़ी एरिया भी चूँ कि उसको हम शुक्रिया अदा करें। डिस्ट्रिक्ट पूंछ में एक बड़ी पीसफुल जो रैली हमने यहाँ पे की, यहाँ हमारा रैली करने का जो मकसद है वो ये था कि हमारी एसटी जो है उसके साथ बेबुनियाद लोग जो हैं वो डाका डाल रहे हैं, लिहाजा हमने गवर्नमेंट से ये अपील की है और बीजेपी से ये स्पेशल कहा है कि जनाब हम जितने भी हमारे गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा हमारे मिस्कीन और मजलूम तबके के साथ ना इंसाफ़ी ना करें, ये आगे भी लोग खाने बदोश हैं। मैंने आज भी अपनी तकरीर में ये कहा कि आप देखिए इस वक्त जो गुजर बकरवाल जो लोग मूव हो रहे हैं उनको जाके देखिए, वो सारी उम्र मस्कीन गरीब लोग जो हैं वो सफ़र में रहते हैं लेकिन उनका कोई नहीं है। आज आप देखिए, आप रजौरी चले जाएं, जम्मू चले जाएं, जितनी भी लेबर है लेबर हजरात हैं वो देखिए आप, वो भी गुजर बकरवाल तबके से है, ये मजलूम और मस्कीन तबका है। इससे मैंने भी आज गवर्नमेंट से ये कहा है कि इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, लिहाजा इनका हक जो है इनके पास रहने दो और पहाड़ी तबके को अगर ये देते हैं अपनी तरफ से दें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं लेकिन हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। कुछ अरसा दराज से हमारे साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से तो उस तरह कोई बयान नहीं आया जो माकूल बयान हो, मगर जो शोशे चल रहे हैं उसके खिलाफ जो हमारी एसटी का हक जो है गुजर बकरवालों को बहुत ही मेहनत करने के बाद मिला था, सुना है कि उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसके लिए पुंछ चलो की काल जो है दी हुई है हमारी गुजर बकरवाल कौम ने, उसके वहाँ हम पुंछ में जा रहे हैं जो पीसफुल हम एहतजाज करना चाहते हैं वहाँ पे, और जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आ रहे हैं 4 तारीख को रजौरी, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने जो जब हमें एसटी स्टेटस मिला था गुजर बकरवालों को और बीजेपी ने हमारी उस टाइम भी बहुत मदद की थी वो बात आप ना भूलें, आज भी हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और हम ये पूरा अमन एहतजाज जो हम अब रजिस्टर कराने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो लोगों से मैं पूरी अपील करूँगा कि बहुत ही मोदबाना तरीके से जो भी बात आप करें अपनी कौम के हक के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, आप खुल के सामने आएँ अपने हक के लिए लड़ें और वो डेमोक्रेटिक तरीके से, ना कि किसी का दिल दुखाएं, ना कि ऐसी बयानबाजी करें जिसे हमारे जो हमारा भाईचारा है जो सदियों से रहा पीर पंजाल के अंदर, कुछ लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं अपने सियासी मुफाद के लिए, ऐसा खुदारा ना करें। आप अपने हक के लिए जो हमारे पहाड़ी भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको नहीं कहते, उनका भी हक है वो बात करें मगर किसी बुनियाद पे बात करें, किसी लॉजिक पे बात करें। हम जो
हम ये कह रहे हैं कि हमें अभी जाके जब ये असली का हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, हमारे लोग आज भी बहुत पिछड़े लोग हैं, आज भी लोगों की हमारी खस्ता हालत है, हमारे हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, हमारे जो नौजवान नस्ल है इसको तबाह ना किया जाए। अभी हमें जाके थोड़ा थोड़ा हमारे लड़कों के अंदर पढ़ाई और शऊर पैदा हो रहा है, वो अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोच रहे हैं, और ये एक साजिश के तहत गुजर बकरवालों को दबाया जा रहा है। गुजर बकरवाल कौम कभी ना बिकी है ना बिकेगी, और ये हमेशा से एक जगह खड़ी रही है और हिंदुस्तान का साथ दिया है, आगे भी हिंदुस्तान का साथ देती रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ कोई जानबूझ के या किसी साजिश के तहत कोई खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम बहुत ही साबर कौम हैं, हम सब्र करना भी जानते हैं, और हमें कोई उकसाने की कोशिश करे, हम कोई इतने कमज़ोर नहीं हैं, मगर यह है हम सब्र कर रहे हैं, और हमारी कौम का यही सबसे बड़ा बुलंद एजेंडा, हम सब्र में रहे हैं, और हमारी अस्थि के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। गुजारिश है हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से।